हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ स्केल्स। और आज हम करने वाले हैं लिकर्ट, सिमेंटिक, स्टेपल स्केल, मल्टी डायमेंशनल, थर्स, टर्नगट, मैन स्केल, स्केलोग्राम एंड क्यू सॉर्ट, इतने सारे स्केल्स। इससे पहले मैं कल की क्लास में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स करा चुकी हूँ, नॉमिनल, इंटरवल, ऑर्डिनल एंड रेशियो स्केल। तो आप रिसर्च एप्टीट्यूड की पीडीएफ प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी अभी सभी रिसर्च रिलेटेड क्लासेस को देख सकते हैं नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे ही। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, देन सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे नव क्लासेस सर्च करके फॉलो कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज टेलीग्राम पे आपको सभी की सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती है, ठीक है। और इसमें आपको डेली फ्री एमसीक्यूज मिलते हैं, टेलीग्राम में भी आते हैं और नव क्लासेस डॉट इन वेबसाइट पे, रिसर्च पीएचडी डॉट इन। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट दीज ऑल थिंग एट वन प्लेस एंड ऑल्सो मोटिवेशनल कोट, कुछ क्विजेस, पजल्स जो आपको सॉल्व करनी होती है और आपके खुद के माइंड को शार्प करेंगी, ठीक है। और आज रात को 10 बजे हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। टॉप थ्री लाइन से NTUGC नेट को क्लिक कीजिएगा, फिर नवदीप और सर्च कीजिए, मेरी प्रोफाइल में आके स्पेशल क्लास में सी ऑल करके सभी देख सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, देन वो कोड मांगता है, कोड है नव क्लासेस। और फ्रेंड्स, मैं कंप्लीट A to Z आपको पेपर वन पढ़ाती हूँ। तो अग्निकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, दैट इज बेस्ट चांस, क्योंकि अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारा पेपर वन एंड पेपर टू का कोर्स स्टार्ट हुआ है, वो आप साथ साथ कंटिन्यू करके आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब फिर मैंने नेक्स्ट जो करवाना है वो करवाना है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी रिसर्च एप्टीट्यूड को मिस ना करें, ठीक है। और एडवांस कोर्स भी मिल जाएगा, एक ही जगह पे आपको पेपर वन पेपर टू सब कुछ मिल जाएगा। दिस इज हाउ सब्सक्रिप्शन वर्क्स। सो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कितने मंथ का लेना चाहते हैं, देन नव क्लासेस कोड लगा के प्रोसीड टू पे करेंगे, फिर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर उसके अगले पेज पे अपने क्रेडिट्स को रिडीम करेंगे तब भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड हैप्पी ईद, ईद मुबारक हो सबको जी। और आज परशुराम जी का बर्थडे है, उनकी भी मुबारकबाद। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ग्राफिक रेटिंग स्केल, ठीक है। ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या होता है? जो ग्राफिकली, यानी कि हमें जिसको देख के कुछ समझ में आए, जैसे आप ये इस टाइप के, अभी जितने भी मैं स्केल कराऊंगी ये सारे के सारे स्केल्स कैसे हैं, सारे के सारे स्केल्स हमारे ग्राफिकली ही रिप्रेजेंटेड है, ये ग्राफिक स्केल्स में ही आता है। तो हम देख के बता सकते हैं कि हमें कहाँ पे मार्किंग करनी है और ये कौन सा वाला है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप PhD करते हैं या रिसर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे वो आते हैं, क्वेश्चन आयर भरवाने होते हैं, और आपने भी दूसरों के क्वेश्चन आयर्स भरे होंगे जरूर से, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आयर्स जब हम भरते हैं तो उनमें स्केल्स का ही यूज किया जाता है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिकर्ट स्केल। तो फ्रेंड्स, लिकर्ट स्केल बहुत ही ईजी, सबसे आसान और बेसिक लेवल का स्केल है जिसको रेंसिस लिकर्ट जी ने बनाया था। तो रेंसिस लिकर्ट इनका नेम है। लिकर्ट स्केल क्या बताता है हमें? वो बताता है इसके इन बिटवीन में आपका इनडिफरेंट है, मतलब जिसमें ना इधर जाते हैं ना उधर, एंड उसके बाद इनडिफरेंट मतलब कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, ऐसा। फिर उसके एक साइड पे आपको मिल जाता है माइनस माइनस, यानी कि डिसअग्री और स्ट्रांगली डिसअग्री, और फिर एक साइड पे मिल जाता है पॉजिटिव, यानी कि स्ट्रांगली अग्री, ठीक है, अग्री एंड स्ट्रॉन्गली अग्री। तो आप इसको मत देखो, ये तो ऊपर वाले के हिसाब से लिखा हुआ है, लिकर्ट स्केल का नीचे वाला पोर्शन देखते हैं, ये वाला, और इसको मैं समझा रही हूँ कि ये आपका हो गया इनडिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे हो गया अग्री, डिसअग्री, माइनस लिखा है ना इसलिए डिसअग्री एंड स्ट्रॉन्गली डिसअग्री, ठीक है। जब हम पॉजिटिव पे आते हैं तो ये क्या लिखता है, अग्री एंड स्ट्रॉन्गली अग्री। तो ये इस तरीके से हमारा बनता है। अब इसमें क्या पढ़ने का जरूरत है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आके पेपर वन में भी ऑलरेडी आ चुका है कि लिकर्ट स्केल क्या है। लिकर्ट स्केल एक बेसिक लेवल का स्केल है जो हमें बताता है फाइव यहाँ पे कैटेगरीज के ऊपर स्थित है, और इसमें एक इनडिफरेंट की कैटेगरी होती है, एंड देन फिर यहाँ पे टू
कैटेगरीज अग्री डिसअग्री एंड टू कैटेगरीज डिसअग्री अग्री की होती है, डिसअग्री स्ट्रॉन्गली डिसअग्री की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। हाँ जी, तो क्लियर हो गया यहाँ पे कंसेप्ट। अच्छा, सो आज के कमेंट ऑफ द डे है वर्षा एंड आयुषी मधु ठाकुर, ठीक है। सो इन्होंने वैक्सिंग लगा ली है, इन्होंने काफी कुछ सीख लिया है और अपने अपने टारगेट आप डेली डिस्कस करते रहते हैं। तो आज के आपके क्या टारगेट है जरूर से कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो, सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सो दिस इज हाउ कि मेरी तरफ से एक लर्नर को मोटिवेशन मिलता है, पुश मिलता है ना रिकॉग्नाइज करने से। आप सब भी इंक्लूड हो सकते हैं। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सिमेंटिक मतलब हम चीजों को कैसे समझते हैं, हाउ वी अंडरस्टैंड, हाउ वी डिराइव मीनिंग, ठीक है। तो ये सब हो गया सिमेंटिक के अंदर। यस, सो सिमेंटिक के अंदर अब ये लिकर्ट स्केल में डिफरेंस क्या है? देखो सारे स्केल एक जैसे लगते हैं लेकिन बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है कि लिकर्ट स्केल में बीच में जीरो भी आ रही थी, यानी कि इनडिफरेंट भी हो रहा था और वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव में जा रहा था, राइट। लेकिन जो सिमेंटिक है वो आपका नेगेटिव वाला जो दिखा रहा है वो वन में दिखा रहा है और फिर उसके बाद उसके अंदर और आगे आगे आके प्लीजेंट बहुत अच्छे में दिखा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे कि अन अकेडमी पे, अरे भाई एक एक करके लिया जाएगा, तीन बच्चों का जगह होती है, ठीक है। हाँ, जो जबरदस्ती बोलेगा रोएगा, मेरे को रोने वाले पसंद नहीं है, हो सकता तुम्हारा फिर कभी ना आए। हाँ, खुशकिस्मत पसंद है मुझे। तो यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे खुश तबीयत वाली, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और फिर प्लीजेंट यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका एग्जाम्पल कोई देगा कमेंट में, जल्दी बताओ। इसका एग्जाम्पल है जैसे अनअकैडमी पे आप रेटिंग देते हो किसी भी कोर्स की, वो सब, ठीक है। हाँ जी, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा वीडियो, जैसे कि आप लोग देते हो ना अमेज़न पे भी रेटिंग देते हो, ये इसको वन स्टार मिले मतलब इसको बिल्कुल बेकार लगा, इसको टू स्टार मिले, इसको थ्री स्टार मिले, फोर मिले, फाइव मिले, तो वो क्या है बताइए? वो आपका आ जाता है रेटिंग स्केल। कौन सा वाला? सिमेंटिक वाला। आई होप दिस इज क्लियर जी। सिमेंटिक वाला हमने तो काफी जगह दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, फिर आप बताते हैं स्टेपल स्केल कैसा होता है। स्टेपल स्केल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका वर्टिकल बन जाता है। अब ये लिकर्ट स्केल के जैसा है, स्टेपल स्केल इज लाइक लिकर्ट स्केल, बट इसमें फिर इनडिफरेंट वाला पॉइंट नहीं होता, जीरो वाला पॉइंट नहीं होता, इसमें बस ओनली पॉजिटिव्स होते हैं, ओनली नेगेटिव्स होते हैं और 10 पॉइंट स्केल है, ठीक है, 10 पॉइंट स्केल है। अच्छा, वो जो सिमेंटिक वाला है ना, वो 5 स्टार से 7 स्टार तक वेरी करता है, क्योंकि आप देखो अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो या होटल में जाते हो तो वहां पे क्या कहते हैं, 7 स्टार होटल है, ठीक है, तो 5 स्टार होटल है तो उनमें फिर वो 7 स्टार तक चला जाता है। तो दैट डिपेंड्स कि कहीं कहीं जगह पे वो 5 स्टार में देखते हैं, कहीं कहीं जगह पे 7 स्टार में देखते हैं, ठीक है। स्टेपल स्केल कैसा होता है? ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता। एक पॉइंट क्लियर हो गया, दिस इज वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल जी। एंड फिर उसके बाद इसके अंदर क्या आता है? ओनली वन वर्ड फ्रेज जो इंडिकेट करता है डायमेंशन उसकी। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड हम हर एक पॉइंट में लिख देते हैं कि हमें क्यों पसंद है, इसमें हमें क्या फील हो रहा है, इसमें क्या फील हो रहा है, तो हर एक पॉइंट में कोई ना कोई फ्रेज से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हर एक आइटम के 10 रिस्पॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, 10 रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है जी। एंड देन ईच आइटम हैज इवन नंबर एंड नेगेटिव नंबर, हर एक आइटम के उतने ही 5 इवन नंबर है, 5 नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ये समझा दिया मैंने। ये रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी न्यूमेरिकल लेबल में, बट नो वर्बल लेबल। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में हमें पता चलता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा है, कितना ज्यादा बेकार है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी, वेरी गुड। कुछ नहीं किया है इसमें, क्या है, यूनिपोलर रेटिंग। यूनिपोलर का मतलब होता है कि इसमें एक ही तरीके से आपका पोल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इनडिफरेंस वाला नहीं है। या तो आप बिल्कुल ही नेगेटिव में चले जाएंगे या तो बिल्कुल ही पॉजिटिव में चले जाएंगे, आप ऐसा नहीं कहेंगे मैं इधर भी हूँ उधर भी हूँ, ऐसा नहीं, डग डग मंगाएंगे नहीं जो हम लिकर्ट स्केल में जा रहे थे। नाउ वी टॉक अबाउट डायमेंशनल स्केल। डायमेंशनल स्केल बहुत ही आसान होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी यूज करते हैं। डायमेंशन स्केल
लिकर्ट स्केल के कॉम्बिनेशन से बना है। लिकर्ट स्केल में मान लीजिए एक ही क्वेश्चन है और उसमें आपने बता दिया इनडिफरेंट, अग्री स्ट्रॉन्गली अग्री, डिसअग्री स्ट्रॉन्गली डिसअग्री, बट इसके अंदर आपने लिकर्ट स्केल तो बनाया ही बनाया, 0 -1 -2 2 1 2, उसके साथ साथ यहाँ पे डायमेंशंस दे दिए, मल्टी डायमेंशन मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, भरे कभी ऐसे स्केल रिसर्च पीएचडी वालों के लिए करवाते रहते हैं, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस दे दिए और फिर इनके अंदर आपने बहुत सारे डायमेंशन दे दिए, मल्टीपल क्वेश्चंस एंड देन उसकी फिर आपने लिकर्ट स्केल में आंसर करना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मल्टी डायमेंशन। इन्होंने लिकर्ट स्केल को ही आगे फर्दर डेवलप कर दिया, इसमें हम पता चलता है कि कौन सा वाला चीज लोग पसंद करते हैं नहीं करते, बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स, हाँ इसको करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स दे दी। और कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक भी है, जैसे हम गूगल फॉर्म में भरवा लेते हैं, ये बहुत सारी चीजें आपने फिल भी किया है, वेरी गुड। थर्स्टोन स्केल में क्या डिफरेंस है, थर्स्टोन स्केल मल्टी डायमेंशनल स्केल का फर्दर डेवलपमेंट है। मल्टी डायमेंशन में आपको बहुत सारी डायमेंशन दे दी थी, थर्स्टोन स्केल में उसी के अंदर कहते हैं कि कम से कम 11 क्वेश्चन होने जरूरी है, उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लिखा होगा यहाँ पे कहीं, लिखा है यहाँ पे कम से कम 11 क्वेश्चंस होने जरूरी है और उसके बाद उससे ज्यादा हो तो अच्छी, ये रहा 11 कैटेगरी होनी जरूरी है, उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है। एंड उसके साथ साथ आवाज फिर खराब हो गई आज, ये रहा 11 कैटेगरी, अरे यार वो बीच में खड़खड़ की आवाज आती है, जब मैं चलती हूँ तब आती है, कोई बात नहीं, कल वाली बीप तो नहीं आ रही ना। लेकिन उसके साथ अभी आप मेरे को कहोगे मैम ये तो मल्टी डायमेंशनल है, यस मल्टी डायमेंशनल वाले को ही आगे फर्दर किया है, इतना होता है सीधा सीधा मल्टी डायमेंशन। लेकिन अगर इसमें मैं चालाकी कर दूं, इसमें मैं अपना थर्डस्टोन स्केल का कंसेप्ट बता दूं, तो ये थर्डस्टोन बन जाएगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो काउंटर वाले रखे, ठीक है, काउंटर मतलब अपोजिट टाइप के रखे, जिसका आंसर कई बार आपने देखा है किसी को कि बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी भरने में, ऐसे कर देते हैं। अगर मैंने काउंटर क्वेश्चन किया तो अगर जिसका आंसर यहाँ पे ये वाला आ रहा है उसका आंसर कहीं ना कहीं इधर 100% आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों जो होते हैं लर्नर्स होते हैं या कैंडिडेट्स जो हमारे फॉर्म भर रहे हैं वो पढ़ के भर रहे हैं कि बिना पढ़े भर रहे हैं, ये क्रॉस चेक हो जाए, ये भी क्रॉस चेक किया जाता है कि इसका इसको लेना भी है कि ये नकली है, ऐसा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यहाँ पे लिखा होगा आर यू हैप्पी विद योर मैरिज, जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, और भी कुछ हो सकता है क्योंकि तुम्हें ऐसे जल्दी समझ में आता है, आर यू हैप्पी विद योर मैरिज, और ये बच्चा का लिखा होगा स्ट्रॉन्गली अग्री, बहुत अच्छे। फिर नीचे लिखा होगा कि आर यू मैरिड यहाँ पे, ठीक है, सो अच्छा यहाँ पे मैं लगा दू आर यू अनहैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है, यहाँ मैं लगा दिया अनहैप्पी, तो अनहैप्पी में इसलिए स्ट्रॉन्गली अग्री, आर यू मैरिड, क्या तुम मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो यहाँ मैंने लगा दो अनमैरिड लगा दिया, अनमैरिड, तो इसने यहाँ पे भी यहाँ लगा दिया, तो इसका मतलब अगर एक जगह पे मैरिड नहीं है तो बिल्कुल ही अनहैप्पी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस बनाए थे जिसका आंसर इधर नहीं आना चाहिए, अगर ये मैरिड है तभी तो वो अनहैप्पी है ना, तो इधर आना चाहिए था, तो इस तरीके से होना चाहिए, अनमैरिड यानी कि वो मैरिड है तो मैरिड होना चाहिए था, अनमैरिड नहीं होना चाहिए था, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डाल देते हैं जो कि उल्टे हो जाए और जिसमें कहीं ना कहीं आंसर, अगर कोई पर्सन इधर आंसर कर रहा है तो इसका आंसर यहाँ होना चाहिए, इसका आंसर इधर कर रहा है तो इधर होना चाहिए, तो ऐसा करके दिमाग लगा के क्रॉस चेक किया जाता है, ठीक है, कि तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम अनहैप्पी या हैप्पी कैसे हो गए, ठीक है, हैप्पी या अनहैप्पी कुछ भी कैसे हो गए, आर यू मैरिड, तो फिर वो ऐसे करके उल्टा पुल्टा कर देते हैं। चलो तो आई होप दिस इज क्लियर कि इसमें क्रॉस चेक किया जाता है और काउंटर चेक किया जाता है, काउंटर क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है, पढ़ के ही करना पड़ेगा। फिर हम आएंगे गटमैन स्केलोग्राम स्केल्स पे, गटमैन का जो स्केल है वो बहुत ही अच्छा है और ये आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तब भी यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो मैं इसको समझाती हूँ क्या किया इसने। सो गटमैन कहते हैं कि बच्चों को रिजेक्ट करने के लिए इंटरव्यू में गट्स चाहिए, तो सिंपल सी बात है, वो ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं, लर्नर को रिजेक्ट करने के लिए चाहिए, चल रही आवाज नहीं आ रही, अच्छा एक जगह टिक जाते हैं,
तो यहाँ पे क्या हुआ, पर्सन्स है ए बी सी डी ई, ठीक है, और इधर इनकी फिर आइटम्स दे दी। अब यहाँ अगर एक पर्सन से मैंने क्वेश्चन पूछा और उसने अगर उसका गलत आंसर दिया, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप इंटरव्यू में गए हैं और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने गलत आंसर दे दिया, तो मुझे बहुत बेसिक आसान क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया, तो मुझे आपको आगे लेके जाना चाहिए या वहीं पर टाइम बर्बाद ना हो आपको फिर भेज के फिर अगले बंदे को बुला लें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसने पहला ही रॉन्ग आंसर दिया तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे ही नहीं। फिर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा किसी और पर्सन से आप में से, तो उसमें ही एक पर्सन ने एक आंसर दे दिया, तो मुझे लगा यार ये और भी क्वेश्चन दे सकता है, और फिर हमने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर उसने गलत दे दिया, तो फिर हम इसके आगे ही नहीं जाएंगे, हमने यही तक के क्वेश्चन पूछे उससे, फिर नेक्स्ट पर्सन से, समझिए अभी ये वाला पर्सन है, अब इसने क्या किया, इसने फर्स्ट आंसर सही दिया। अब सोचो इंटरव्यू लंबे चलते किसके हैं, जो इंटरेस्टिंगली आंसर करता रहता है एंड ऑल, ठीक है। तो इसने सही आंसर दिया, इससे फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया, फिर उन्होंने सोचा यार ठीक है इसके आगे फिर हम और जानते हैं इसके बारे में, और क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे फिर सारे क्वेश्चन पूछे गए और इसने सभी का सही आंसर किया, तो यहाँ पे इसके स्कोर हो गए ज्यादा और इसको ले लिया इंटरव्यू में, है ना। तो हमने इसको इंटरव्यू में ले लिया। आई होप दिस इज क्लियर कि गटमैन स्केल में गट्स चाहिए बच्चों को रिजेक्ट करने के या बच्चों को एक्सेप्ट करने के। तो जैसे ही आप फर्स्ट का आंसर देते हैं तो आप आगे जाते हैं, वन रॉन्ग रिस्पॉन्स यू विल गेट आउट ऑफ द आइटम्स, तो फिर आपको स्कोर नहीं मिलता है। अभी क्लियर हो गया ना गटमैन एंड स्केलोग्राम स्केल? यस। हाँ जी, तो आज का लास्ट आ जाता है हमारा क्यू सॉर्ट टेक्निक, और ये सारी पीडीएफ कल वाली आपने क्लास ली है अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन फ्री वाली स्पेशल क्लास, उसके अंदर ही मैंने पीडीएफ डाल दी थी, कल वाली पीडीएफ के अंदर भी ये डाल दी थी। अच्छा, आज वाली में भी होगी। क्यू सॉर्ट टेक्निक, क्यू सॉर्ट टेक्निक क्या होती है, मुझे ये बताओ कि आप अपने ड्रेस, अपने कवर जो होता है जहाँ पे अपने कपड़े रखे होते हैं उसको सॉर्टिंग करते हो। सॉर्टिंग मतलब जैसे कि आपके रूम की सॉर्टिंग अगर आप करें तो शूज जहाँ पे चाहिए वहां रख दिए, ठीक है, और चादरें कहाँ चाहिए, और आपकी ड्रेस कहाँ चाहिए, आपके एक्सेसरीज कहाँ चाहिए, जो चीज जहाँ चाहिए उसको वहां वहां भगा दिया, वहां वहां सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वहां लगा दिया, इसको बोलते हैं। अभी हमारे रिसर्च में क्यू सॉर्ट का क्या मतलब है, रिसर्च में भी क्यू सॉर्ट का मतलब है कि यहाँ पे हम कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे ही कमांड फिक्स कर देते हैं जिससे वो कीवर्ड्स को पहचान जाता है, और जिन कीवर्ड्स को पहचानता है उसके हिसाब से वो वाले बॉक्सेस में या वो वाले पोर्शंस में हमारे डाल देता है रिस्पॉन्सेस, ठीक है, हाँ अपनी जगह पे डाल देता है। इसके अंदर जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ कीवर्ड्स दे दिए और वो कीवर्ड्स मैच करेगा तो यहाँ पे लिख देगा हैप्पी में चला जाएगा, कुछ सैड में चला जाएगा, कुछ एंटरटेनिंग में चला जाएगा, ठीक है, और कुछ किसी और में चल जाएगा। तो जैसा कीवर्ड जिसके साथ मैच करने लग जाएगा वो ऑटोमेटिकली वहां वहां कंप्यूटर भेज सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा भी दिखा, एक छोटा बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कभी एक्सेल पे काम किया हो तो उसमें सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है, सॉर्ट बाय ए टू जेड, याद है आपको, उसमें लिखा होता है कि सिलेक्ट हमने इसको कर दिया और इसको ए टू जेड या वन टू तक ऐसा करके वो सॉर्टिंग कर देता है या जेड टू ए कर देता है, तो उसमें लिखा होता है ना कि सॉर्ट बाय, मतलब इसको सॉर्ट कर दो, तो वैसे ही ये बिल्कुल टेक्निक है। तो ये टेक्निक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू यूज होती है, ठीक है। तो थर्स क्यूब सोर्स टेक्निक अटेम्प्ट क्लासीफाई करता है सब्जेक्ट को इन टर्म ऑफ देयर सिमिलैरिटी, जैसे सिमिलर एट्रीब्यूट इसको मिले वैसे वाले सिमिलर एट्रीब्यूट के बेसिस पे उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, तो ये टेक्निक क्लासीफाई करने की है। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, सब क्लियर हो गया, मजे आ गए आज, ठीक है। सो अभी 9 बजे मेरी अनअकैडमी वाले यूट्यूब चैनल पे भी क्लास है, उसका लिंक मैं टेलीग्राम में दे दूंगी, ठीक है, उसमें बताऊंगी ट्रिक्स टू सॉल्व ट्रिकी क्वेश्चंस, मतलब कि कैसे हम ट्रिकी क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस इज माय कंसेप्ट बुक विच यू कैन गेट फ्रॉम द अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ठीक है, देख लेना। और उसके अलावा ये वाली जो बुक है ये फिनिश हो गई है इनकी, खैर बहुत बच्चे पूछ रहे थे, स्टॉक पेपर बैक वाला ई बुक अवेलेबल है कुडोज ई लर्निंग .com में, हाँ कुडोज ई लर्निंग .com में या फिर कुडोज ई लर्निंग की ऐप में, ठीक है। तो आप अगर अभी भी लेना चाहते हो, क्या अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरी पीडीएफ मिलती है, और यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग एट द वन प्लेस,
अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव। और कल से हमारा सब्सक्रिप्शन में न्यू यूनिट स्टार्ट हो रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इवन इफ यू वांट टू टेक राइट नाउ, यू कैन टेक विद द कोड नव क्लासेस टू बिकम नव लर्नर। स्टे ब्लेस, खुश रहिए हमेशा। हाँ जी, आज आपका टारगेट है, ठीक है, जरूर से। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। रात को 10 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नव क्लासेस कोड अनलॉक करने का है अगर आप फ्री लर्नर है तो।